हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने खुद पर लगे बैन के बाद फिर एक बार कांग्रेस पर हमला बोला। सत्ती ने कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू पर लगे बैन का कारण सिद्धू की ओर से की गई देशद्रोही बातों को बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की भाषा को राष्ट्रवाद के विरुद्ध बताया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने पर शुभकामनाएं देने के साथ साथ बीजेपी में उन्हें और उनके परिवार को दिए गए पदों का हवाला देते हुए चुटकी ली और पूरा सम्मान दिए जाने का दावा किया। चंदेल के कांग्रेस में जाने पर कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा के विरुद्ध है और चंदेल जिस विचारधारा के विरुद्ध लड़ते रहे हैं अब वो उसी विचारधारा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। चुनाव जो के अंतर्गत प्रावधान रहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उसमें मान लो कोई व्यक्ति बोलता है तो उससे आउट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अगर आदमी बोल देता तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगता है। उसमें अनेकों लीडर्स के ऊपर कई बार ऐसी बात करने से हो जाता, मेरे ऊपर भी लगा था जो 22 तारीख को 10 बजे समाप्त हुआ है। ये कोई मुद्दा बनाने का मामला नहीं है, कांग्रेस के लोगों के पास मुद्दा नहीं है, पहले प्रत्याशी नहीं थे अब मुद्दा नहीं है तो वो मुद्दा बना रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना मुद्दा बनाती है तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। सिद्धू के ऊपर लगते रहते हैं, अभी भी लगा है 72 घंटे का, वो कई कुछ बोल रहे हैं। हमने कोई देशद्रोह के बड़ा बात तो नहीं की थी, वो तो देशद्रोही बातें करते हैं। कांग्रेस के लोगों के ऊपर जो लग रहे हैं वो देशद्रोही बातें करने के कारण लग रहे हैं, देश को तोड़ने की बातों के कारण लग रहे हैं। जो वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अराष्ट्रीय बातें हैं। सुरेश चंदेल जी भारतीय जनता पार्टी के MP रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और हमारे यूनिवर्सिटी के समय के मित्र भी हैं। हम सब लोग विद्यार्थी परिषद में इकट्ठा काम करते थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, पार्टी ने काफ़ी प्रयास किया कि वो कांग्रेस में ना जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारी विचारधारा की लड़ाई है। वहाँ वंशवाद और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का है इसके विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारा विचार परिवार खड़ा है। और चंदेल जी भी इतने लंबे समय इन बातों के विरोध में बोलते रहे, आज फिर वहीं जाकर के खड़े हो गए, तो ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जाता है वो ही बता सकता है कि क्या कारण है। और वो गए हैं तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि शुभकामनाएं उनको, कांग्रेस में वो फलें फूलें आगे बढ़ें।